Audio Jungle. तो बड़ी खबर आ रही है नरसिंहपुर के गाडावार से, जहां जरा सी बारिश भी नहीं झेल पाया रेलवे ओवर ब्रिज। जी हां, बारिश के कहर से प्रदेश के कई जिले प्रभावित हैं, लेकिन इस बीच नरसिंहपुर में हुई बारिश ने सरकारी कामों की कलई खोल रखी है। दरअसल नरसिंहपुर के गाडावारा में करोड़ों की लागत से बन रहे चीचली फाटक ओवर ब्रिज बनते ही बनते ढह गया। बताया जा रहा है कि इस पुल निर्माण में 4 साल से इसका काम चल रहा है। पुल ढहने के पूर्व में भी कई शिकायतें डॉली इंफ्रा पर मिट्टी वाली रेत उपयोग करने के आरोप लगाए हुए थे, पर संबंधित अधिकारियों के कानों में जू तक नहीं रहेंगी। जब संबंधित अधिकारी से बात करनी चाहिए तो अधिकारी पत्रकारों के सवाल से बचते नजर आए। चलिए, तो ब्रिज की पूरी खबर जानने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता सुमित दुबे, गाडावारा से हैं। हम सुमित से ही जानना चाहेंगे कि ब्रिज के क्या हालात हैं, कब ब्रिज बनना चालू हुआ था और पहले ही बारिश में कैसे बह गया। सुमित जी, बताएं हमें कि कैसे ब्रिज को पहले ही बारिश नहीं झेल पाया। जी, जैसा सभी को पता है कि एनटीपी है जी, उनके लिए एनटीपीसी में जिसमें मदद हो, रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर एक ओवर ब्रिज बन रहा था जिसको डॉली इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा था। देखिए, 3 साल से जी ये ब्रिज निर्माणाधीन है, बन रहा है जी। और इसमें पहले भी रेड अलर्ट ने अपनी खबर बताई थी कि जिसमें रेत में मिट्टी मिली रेत का उपयोग हो रहा था जी। और 3 साल से ये ब्रिज में काम चल रहा था और भ्रष्टाचार के तहत इस पर आरोप भी लगते आ रहे थे, और जिससे कल से जो जोरों से बारिश होने के कारण ये बीच से इसमें जो दीवार लगी हुई थी वो गिर गई है, जिससे ब्रिज रह गया है। अच्छा, पहली चीज इसमें, क्योंकि हमारे चैनल ने प्रमुखता से पहले वो भी दिखाया था कि रेत में मिट्टी मिक्स करके कहीं ना कहीं उसमें काम किया जा रहा था, तो इसकी शिकायत के बाद इसमें कोई सुधार हुआ था या नहीं हुआ था? नहीं जी, कुछ नहीं हुआ था इसमें, सुधार किसी भी तरीके का कोई सुधार नहीं हुआ है। जैसा कि अभी सूचना आई है कि बाहर से टीम आ रही है चेक करने के लिए, लेकिन ये टीम आती है और चली जाती है, इसके बाद ना कोई सुधार होता है ना ठेकेदार के ऊपर कोई कार्रवाई होती है। अच्छा, इतनी बड़ी घटना हो गई तो इसमें किसी के जनधन की हानि भी सामने आई है क्या? नहीं जी, यही मतलब एक बहुत सौभाग्यशाली बात है, जिस समय ये घटना हुई है उस समय ना किसी जनहानि की हानि हो पाई है, ना वहाँ से कोई निकला है, जबकि ये रूट जो है यहाँ से बड़े वाहनों का आवागमन बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन बारिश के चलते, जैसे कि 2 दिन से बारिश हो रही है उसके चलते सुबह सुबह की ये घटना है तो आवागमन नहीं हुआ था। हाँ, हालांकि खबर आई थी कि 2-3 वाहन चालक जो निकल रहे थे वहां से वो क्षणिक मात्र रह गए थे, नहीं तो मलबे में वो भी दब जाते। क्या इसके लिए आपको कौन जिम्मेदार कौन लगता है इतनी बड़ी लापरवाही के लिए? इसमें जिस तरीके के हालात नरसिंहपुर जिले में चल रहे हैं, कहीं ना कहीं जिला प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं हमारे जो राजेश राय जी हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करी तो कुछ संतोषजनक उत्तर उनसे नहीं मिले हैं, ना जिला प्रशासन ना विधानसभा तहसील प्रशासन राजस्व, अभी तक कोई भी टीम पुल को देखने के लिए नहीं आई है। अच्छा, आज किसी प्रशासनिक अधिकारी से इस संबंध में बात हुई है क्या आपकी? हाँ जी, एसडीएम महोदय से बात हुई थी जी, कि इस संबंध में मिलना चाह रहे थे पत्रकार उनसे, लेकिन उन्होंने कहा कि शाम को मिल पाएंगे। अच्छा, तो कहीं ना कहीं हम देखें कि वो बसते नजर आ रहे हैं मामले से, यानी कि पल्ला झाड़ने की जो पूरी कार्रवाई है, इस कार्रवाई ना करना पड़े उसमें पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी। चलिए चलिए, ठीक है सुमित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि कैसे हमारे संवाददाता ने क्षेत्रीय अधिकारियों को भी फोन लगाया, पर वो भी इस मामले से साफ बचते नजर आए हैं।